विद इनके इवनिंग रिपोर्ट के बारे में, वो भी डिटेल्ड वे में, और बताऊंगा साथ में आपको कि प्रेडिक्शंस क्या होगा कलेक्शंस का पूरा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप चीजें मिस ना कर सके। चलिए बिना देरी करे आपको ओपन करके बताता हूँ आखिर क्या माजरा है, किस तरह से कलेक्शंस होने के चांसेस है और ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या आ रही है। तो ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें टाइगर जिंदा है की, तो मैं आपको बता दूं ऑक्यूपेंसी काफी हद तक 63% तक की आ रही इवनिंग ऑक्यूपेंसी, जो काफी बुरी नहीं है। और इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो करीबन थी 31% और इवनिंग आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी 70%। और बाकी जो इवनिंग में जिस तरह से रिपोर्ट आ रही वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हर एक रीजन में कैसे कमाल किया इस फिल्म ने वो बताता हूँ। 60% मुंबई की ऑक्यूपेंसी जो बेहतर है, दिल्ली से 55%, ईस्ट पंजाब में 57% है, सेंट्रल इंडिया में 60% है, सीपीपीआर में 75% है, राजस्थान में 70% है, काफी बेहतर है, वेस्ट बंगाल में 60%, साउथ इंडिया में 42%, बिहार में 58%, मल्टीप्लेक्सेस में 60% है, सिंगल स्क्रीन्स में 66% है। यानी कि सिंगल स्क्रीन्स में थोड़ी सी गिरावट आई है और टोटल ऑक्यूपेंसी है 66%, वो भी इवनिंग शोज की। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है कि टाइगर जिंदा है कलेक्शन कितना होगा, और यहाँ पर साफ है कि 17 करोड़ ये कह रहे हैं क्रिटिक दोबारा यहाँ पर, और मैंने भी ऑलरेडी कहा है सुबह में प्रेडिक्शन में कि 17 से 19 करोड़ तक ये कमा सकती है, क्योंकि मंडे का दिन देखते हुए आज ऑडियंस लोग कम रहेंगे वो सब चीजें देखते हुए मेरे ख्याल 17 से 19 करोड़ एक अच्छा खासा अमाउंट रहेगा। आप देखते किस तरह से ये फिल्म कमाती है और क्या कलेक्शन करती है। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि ये 17 से 19 करोड़ के बीच में कर लेगी, यानी कि मैं प्रेडिक्शन सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपकी क्या राय है, क्या प्रेडिक्शन होगा और पूरा एवरेज ऑक्यूपेंसी कैसी लगी आपको, जो मैंने आपको बताई करीबन सुबह 31% आफ्टर उन्होंने 70% और इवनिंग में जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 67% है, और नाइट की जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो भी लगभग 70 से 75% होने के चांसेस है। यानी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 60% से 65% तक होगी एवरेज ऑक्यूपेंसी, जिससे इतना साफ है कि 17 से 18 या 19 करोड़ तक आराम से जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही, बाय बाय।